हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वाली एसएससी। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 20 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सेकंड शिफ्ट का है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको मिला है? तो ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को मिला है, फॉर सोशल जस्टिस के लिए मिला है, UNHCR को 2017 का मदर टेरेसा अवार्ड। जो मदर टेरेसा अवार्ड मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस वाज इंस्टीट्यूटेड बाय हारमोनी फाउंडेशन इन 2005 इन मेमोरी ऑफ मदर टेरेसा। ये हारमोनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 2005 से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। ये दलाई लामा, मलाला यूसुफजई और मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स अन्ना हजारे, ये सबको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुगल डायनेस्टी फाउंडर कौन है? मुगल के जो वंश है उनके फाउंडर कौन था? बाबर होगा इसका आंसर। और जिसका पानीपत का प्रथम युद्ध जो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी उनको हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी हु पासेज इन मनी बिल? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट पास करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो स्टेटमेंट दिया होता रोजर फेडरर से संबंधित और सेरेना विलियम्स से संबंधित, ये इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सका है। अगर आप जानते हैं इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं ताकि इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, इलेक्टोरियल बॉन्ड इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन के लिए वैलिड होता है इलेक्टोरियल बॉन्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेक सिचुएटेड बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में कौन सा लेक सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुसैन सागर लेक। ये मैन मेड लेक है हुसैन सागर लेक, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेशनल ट्री ऑफ भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन साइप्रस। ये फोटो भी देख सकते हैं आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉलिनेशन ऑफ H2O इज डन बाई एडिंग? इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फार्मूला क्या होता, केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फार्मूला क्या होता है? CaCl2। इसका मोलर मास कितना होता है? 148.98 ग्राम मोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ITF से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो ये 37वां संस्करण हुआ था 2017 में न्यू दिल्ली में। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल सका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से था, न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में रह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी दिया था और एक्सेलेरेशन दिया था और टाइम दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था। तो ये इस फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, S = UT + 1/2 AT². नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट लेक? जो इसका जो ऑप्शन दिया था उसमें आंसर हो जाता है सांभर लेक, ये साल्ट लेक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉइल होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, थायलोफाइटा, बायरोफाइटा और पेट्रोडोफाइटा से संबंधित क्वेश्चन था। मैंने इसको दे दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं बायोलॉजी से, प्लांट किंगडम के ये प्रकार हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन इसका भी नहीं मिल सका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वॉलेंट्री मसल से था, तो वॉलेंट्री मसल क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स आर दोज विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो अपने कंट्रोल में होता है और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, तो उसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं। दिस इंक्लूड द स्केलेटरल मसल्स दैट अटैच टू बोन एंड स्किन। द स्केलेटरल मसल अलाउ द बॉडी टू मूव बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग अगेंस्ट बोन्स एंड स्किन। दे also maintain posture इन द बॉडी। दे अटैच टू बोन्स by connective टिश्यू called tendons। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो पावर कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को पावर कहते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम हैविंग नो डिस्क्रीट, इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली दलाई लामा किस कंट्री पे विजिट पे गए थे? तो इसका आंसर होगा म्यांमार, ये नवंबर में गए थे 2017 में। और मैथ से क्वेश्चन, कौशिक
60 डिग्री प्लस 1/2 का वैल्यू पूछ रहा था, तो कॉसिक 60 डिग्री कितना हो जाता, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो उसका उल्टा हो जाता है 1/ अंडर रूट 3/2, तो 2/3 हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस 1/2, उसको सम करके लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 8, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर, ये भी आसानी से निकल सकता था। और एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ था जिसका रेडियस था 7/2, और रेडियन निकालना था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसका एरिया दिया हुआ था 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इस सब का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं सोल्यूशन के लिए, और उसके लिए उसके बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेक्टेंगल का एक साइड इंक्रीज किया जाता है 60% और एरिया सेम रखा जाता है, तो सेकेंड साइड में कितना डिक्रीज कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मिल सका है अभी तक। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं ताकि उसका सलूशन प्रोवाइड करा सकें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें जो रेड कलर का होता है सब्सक्राइब। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।